हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस किस तरह से काम करते हैं। फॉरवर्ड बायस में किस तरह से पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो एक कंडक्टर की तरह, यानी कि जिसमें करंट फ्लो होता है, और रिवर्स बायस में किस तरह से करंट फ्लो नहीं करता है पीएन जंक्शन डायोड में। ठीक है, तो हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पूरे अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड जो है हम लोग स्टडी करने के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसको और अच्छे से, मतलब जब हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो सर्किट डायग्राम में हम लोग डायोड को इस तरह से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल में डायोड जो होता है वो इस तरह से होता है। हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन पी है कौन एन है? तो सिंपली हम लोग इस डायग्राम जो आप देख रहे हो इसको इस तरह से एक डायग्राम बना लो, और डायोड जो है डायोड को इस तरह से रख दो। ठीक है, आगे का जो कलर वाला पोर्शन ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, सिलिंड्रिकल टाइप का होता है डायोड, तो ये जो आगे जो कलर वाला पोर्शन देख रहे हो ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, इस टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे, एक मिनट, इसको क्या करोगे पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे, और इसको क्या करोगे नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये एन है, ये जो आगे वाला दिख रहा है ये कलर वाला पोर्शन ये एन है और ये ब्लैक वाला पोर्शन पी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया हो। और हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के बारे में जान चुके हैं, तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस में नहीं करता है, और फॉरवर्ड बायस में किस तरह से एक पीएन जंक्शन डायोड बिहेव करता है और रिवर्स बायस में किस तरह से एक पीएन जंक्शन डायोड बिहेव करता है, उसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये ग्राफ पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए बोलते हैं, वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करेंट। ठीक है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में उसका करेंट किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से चेंज होता है, तो ये चीज़ हम लोग शो करते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो जब भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का बात आए एग्जाम में या कहीं भी या कोई भी पूछे, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात जिक्र होता है तो हम लोग इस ग्राफ को माइंड में रखना है। ठीक है, तो इस ग्राफ का एनालिसिस, आखिर इस ग्राफ बना कैसे, बहुत कोई क्या करते हैं डायरेक्ट ग्राफ बना देते हैं, राइट। ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ बना देना वो आपके माइंड में है तो ठीक है, लेकिन इसको एनालाइज करना भी जरूरी है कि ये ग्राफ आखिर ऐसे ही क्यों बना, ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता था, ऐसे भी बन सकता था, लेकिन ऐसे नहीं बना और इस टाइप से ही क्यों बना, इस चीज़ को थोड़ा हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए ये फॉरवर्ड बायस का है, ये रिवर्स बायस है। क्यों? क्योंकि ये वी आई ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव में है। ठीक है, वी आई दोनों क्या है, इसमें नेगेटिव में। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो पोर्शन है वो हम लोग रिवर्स बायस के लिए यूज करने वाले हैं, ये जो पोर्शन है वो हम लोग फॉरवर्ड बायस के लिए यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा था, सपोज दैट, फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज दैट कि ये हम लोग फॉरवर्ड बायस ये पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं, इसको हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट किए हैं। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है कि अभी यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल के कारण, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल के कारण यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आके कलेक्ट होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जाके जब कलेक्ट होगा तो यहाँ अंदर का जो होल है, यहाँ पे जो अंदर का होल है उसके पास भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, धक्का देगा इस टाइप से। तो यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर था, इधर भी यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आके कलेक्ट होगा, तो यहाँ भी जो अंदर में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज ही होगा अंदर में। ठीक है, तो उसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, धक्का देगा, तो इससे क्या होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो मतलब नैरो होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तुरंत नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये डिप्लेशन लेयर क्या होता है, नैरो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं अभी कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी इधर का इलेक्ट्रॉन मतलब इधर का चार्ज इधर ही है, इधर का चार्ज इधर ही है। ठीक है, क्योंकि अभी भी मतलब जो डिप्लेशन लेयर है वो अभी भी मौजूद है। ठीक है, और थोड़ा जब बढ़ा है वोल्टेज तो और थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि और ज़्यादा होल को रिपेल करेगा, यानी और ज़्यादा पुश करेगा, और ज़्यादा पुश करेगा, तो ये और थोड़ा पतला होगा। तो यानी कि कुछ समय तक ये लेयर मतलब क्या बोले उसको, नैरो होने में ही टाइम लग जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करेंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी भी देखिए यहाँ पे वोल्टेज कट बढ़ रहा है, 0.5 वोल्ट हो गया, लेकिन करेंट अभी एक भी फ्लो नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी भी ये लेयर जो है भले ही नैरो हो चुका है, लेकिन अभी भी ये लेयर जो है अभी भी मौजूद है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि ये जो नैरो वाला जो लेयर लास्ट में था वो भी टूट जाएगा, जब टूटेगा तो उसी टाइम पे क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, ये देखिए। ठीक है, तो इसका जो
इसका जो वोल्टेज जिसमें कि ये लेयर जो है वो टूट जाए वो होता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, 0.7 वोल्ट में क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसका, यानी कि 0.7 वोल्ट में ये जो लेयर है, जो डिप्लेशन लेयर का विड्थ है, वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो उससे करंट फ्लो करना फिर स्टार्ट कर जाता है। तो इसी तरह से हम लोग रिवर्स बायस का भी एनालाइज कर सकते हैं। मैं ये चीज़ आप पे छोड़ रहा हूँ, अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आप एक बार अपने से खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, कि ये ग्राफ आखिर ऐसे क्यों बना। ठीक है, ये क्यों बना मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा रिप्लाई करके फिर से बार बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें और ज़रूर कमेंट करें अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे,